कार्टून बनाया। मेरी क्लिप मत डालना। गाइज अभी प्रैक्टिस चल रही है हमारी और आप देख सकते हैं अभी किसकी प्रैक्टिस चल रही है। ये हमारे दूल्हे राजा की प्रैक्टिस चल रही है। फोटो आई उसमें कहूंगा मेरे ब्रदर की दुल्हन मेरी ब्रदर की दुल्हन ऐसा करके और उसके बाद गाना स्टार्ट होगा। अंकल आप प्रैक्टिस कब करोगे? प्रैक्टिस कब करोगे? आंटी आपको पर करो प्रैक्टिस अभी जस्ट ठीक है। अभी अभी हम अभी यहाँ पे पंडित जी आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी ठीक है। सो गाइज आज 13th डे है और मयंक भाई के यहाँ पे डांस सिखाते हुए ऑलमोस्ट सारे गाने हो चुके हैं और मेरे कुछ ही सॉन्ग्स बचे हुए अब इनको सिखाने में। मयंक भाई कैसा लग रहा है? सच बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है एकदम बढ़िया। ठीक है मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आगे जाके फिर आप कंप्लेंट करो। नहीं नहीं कंप्लेंट ज्यादा सही नहीं किया। चलो ये बात समझाओ 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 अंकल समझाओ कैसे करने का है? चलो वापस फिर से करें अंकल। चलो आ जाओ आगे प्रैक्टिस के लिए। बढ़िया बढ़िया अभी करते शुरू। हाथ इसको यहाँ चलाना है मोच दो बार मोच नहीं लग जाए ये चलेगा फिर से डे है और मैं आ चुका हूँ सिखाने लेकिन अभी फिलहाल ये बात कर रहे हैं प्रेरणा जी से। ठीक है ये बात कर रहे हैं और हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक और ये ननद बात कर रही है वो शादी में नहीं आ रही वो ननद कॉन्शियस कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं यहाँ पे और ये शादी में भी नहीं आ रही है मेरे पैसे तो भैया ने शादी का पूछा ही नहीं क्या आगे बहनों को इतना नहीं पूछते शादी में क्यों नहीं आ रही एग्जाम दे रहे थर्ड ईयर गूगल पे भी है इसका शेड्यूल भैया को पूछो पूछो कैसा कर रहा है अच्छा किया सिखाने वाला कैसे अच्छे कि नहीं है सिखाने वाला कैसे अच्छे या नहीं है सही सिखा रहे कि गलत इन्होंने डांस कैसा किया? डांस बढ़िया किया भैया बस इसे गाने भी याद करा दो। ठीक है गाना याद अब ना एक सिंगर बुलवा लेते हैं यहाँ पे म्यूजिक ले लेना। Forgotten. अभी हम लोग अजमेर के लिए निकल रहे हैं जहाँ पे हम लोग मयंक की वाइफ के लिए डांस का प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं तो थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है और हम निकलते हैं मिलते हैं आपको अजमेर में। तो ये ट्रेन आ चुकी है तो दोस्तों हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं मतलब मैं बैठ गया हूँ और अभी सौरभगंज से हम लोग मयंक भाई को पिकअप करेंगे। ट्रेन ऑन द टाइम है बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है तो हम लोग मयंक भाई को पिकअप करते हैं और फिर आगे की जर्नी साथ में कंप्लीट करते हैं। ये आ गए हमारे मयंक भाई।
महंग महंग भाग क्यों रहते तुम? ट्रेन में टूट गया तो भैया। बढ़िया सब? एकदम बढ़िया। तो अभी हमने चना चाट मंगवाया है। महंग भाई कैसा है टेस्ट में? मैं ऑलरेडी ये दो खा के बैठ चुका हूँ, चाय पी चुका हूँ। मैं अच्छी खासी मूवी देख रहा था, मैं आगे बीच में बंद कर दिया। और मूवी भी इतनी अच्छी शानदार चल रही थी, एक्शन हीरो ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स पे था। अब क्या करूँ, हेडफोन्स नहीं है, अब हेडफोन जाके अजमेर में जाके खरीदूंगा मैं। तो फाइनली हम लोग अजमेर पहुंच गए हैं और हमें रिसीव करने ट्रेनर भी आ चुकी है। तो कैसा लग रहा है आपको मिलके? पहली बात तो ये बताओ। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। से दे सामने सामने कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी मेरे मासी के घर जा रहा हूँ, सॉरी। तो वो अभी भैया लेने आ ही रहे हैं, तो उसके बाद मैं पहुँचता हूँ उनके यहाँ पे मिलने के लिए। तो ये हमारा भाई हमें लेने आ गया है, हेलमेट वेलमेट पहन के। मेरे लिए हम लोग सारी प्रैक्टिस करने के बाद अब फिर से निकल चुके हैं आबू रोड के लिए। और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मैं अपने फैमिली वालों से मिलकर आया है। और ट्रेन में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही है, आइए आपको भी बताते हैं। गुड़िया हे ताली। कौन सा नहीं आ रहा? बॉयज का। बॉयज वाला पहला वाला सेकंड वाला? वो पूरा पूरा वापस सब करना पड़ेगा उसमें। भूल गया, ये वाला पूरा करना है। मेरा पीछे वाला पूरा हो जाएगा, आगे वाला एक भी नहीं होगा। तो मेरा ब्लॉग है। आज है मेहंदी का प्रोग्राम, मेहंदी यानी कि ये एक्चुअली इसमें मेहंदी वेहंदी लगाई जाती है और छोटे मोटे डांस प्रिपरेशन किया जाता है। तो कुछ डांसेस परफॉर्मेंस यहाँ पे भी होने वाला है, तो सब देखते हैं क्या क्या डांस होने वाला है और कितना डांस करने वाले। ठीक है, संभाल लेना यार फंक्शन में। मैं सब संभाल लूंगा। तो रेडी हो गई है? क्यों बोलते हैं कि आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल से ये टाइम निकाल कर यहाँ आए? हम कोशिश करेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा रहे और आप लोगों का ये टाइम बहुत अच्छे से बहुत फुल रहे। वो पीछे से आ रहा है। Oh, 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 oh
नॉनवेज वाली बात लगती है। हमारी मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और मेरे साथ है ये हमारे डीजे वाले भैया जो कि गाने चला रहे सारे, ठीक है। और अभी फिलहाल वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अभी मेहंदी कंपटीशन चल रहा है सारी लेडीज का, तो काफी प्यारा कंपटीशन चल रहा है। बाकी और सारे अपडेट्स आपके पास आ जाएंगे। गाड़ी देवे देवर समझा देवे ससुराल के नाखू सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी मैंने इधर कोरियोग्राफ किया है, तो अब इनका कहना था कि हम तो नाच लेंगे, हमको तो सबको डांस करना आता है, पैसे दिए ना एंकरिंग कर लो एक बार। मॉर्निंग गाइस, आप सभी को मेरे इस व्लॉग के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मयंक और प्रेरणा का संगीत फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। जी हाँ, आज है फाइनल डे, तो गाइस मेरे साथ रहो क्योंकि आज जो संगीत है वो है आबू रोड के हिलक्रेस्ट होटल में, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज फंक्शन, सो बी विथ मी। यहाँ पे पता चला कि भाई यहाँ पे भी विनायक है। अरे यार मजा है, फिर तो और अच्छा है। हाँ, डीजे के मामले में थोड़ा सा भैया बट लिटरली ये इवेंट्स कुछ नहीं, आप लाइक कल मॉर्निंग के इवेंट में आओ। ओके, इज समथिंग व्हिच लाइक कन्वर्सेशनल थिंग होती है यार ये तो। आपने बात कर ली, चिल कर लिया यहाँ पे। मॉर्निंग इज लाइक डिफरेंट थिंग, दैट इज समथिंग आई ओन, दैट इज समथिंग। तो इट इज़ गुड क्योंकि यहाँ पे वो चाहिए होता है ना कि हाजिर जवाब जिसको आप कहते हैं। ओके, आपको नहीं पता सामने वाला क्या बोल कौन खुश है कि मयंक और प्रेरणा एक साथ एक बंधन में एक जोड़ा बनने वाले, कौन कौन खुशी होगा, थोड़ा शोर मचाएंगे। डीजे खुशी वाले गाने बजाने हमको। जी बहुत अच्छा काम किया आपने, पूरा नहीं मानना, मम्मी की तो नहीं सुननी। बारे में बहुत सारी पूछे ना, सिर्फ 5। सबर करो यार, मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ मैं, अच्छे अच्छे दिमाग बनने की कोशिश हो रही है। स्वीट है, दैट्स इट, रिपीट रिपीट रिपीट।
आफ्टर अ गुड एंड बिग ब्लॉकबस्टर संगीत नाइट। और अगर आप भी अपनी संगीत नाइट ब्लॉकबस्टर बनाना चाहते हैं तो आपको पता है आपको किसको कॉन्टैक्ट करना है। प्लीज हम दोनों को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी एनी टाइम। हमारे जो मिस्टर स्टैनली हैं उन्होंने बहुत बढ़िया से कोरियोग्राफी करके हमारे सभी मेंबर्स को बहुत बढ़िया से सिखाया, सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस के साथ में कुछ और उनके सॉफ्ट स्किल्स भी हैं जो हमको बहुत उनसे सीखने के लिए मिले हैं। तो मैं किसी को भी अगर किसी कोरियोग्राफर चाहिए, बढ़िया इवेंट के लिए अच्छे लोग चाहिए तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड मिस्टर स्टैनली फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ ऑकेजन। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है कि मेरे दूसरे बेटे के शादी में भी आपको बुलाऊं। कुणाल के टाइम पे भी आएंगे। थैंक यू सो मच आंटी। मेरी क्लिप मत डालना। तेरी क्लिप नहीं डालनी, तू तो डांस ही भूल गया था। बहुत अमेजिंग था हर चीज के लिए एंड हमारे सारे संगीत परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे और मजा आया काम करके, बहुत मजा आया। थैंक यू। मॉर्निंग गाइस, मैं फिर से दिल्ली आ चुका हूँ और मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ऑब्वियसली मैं 20-25 दिन से बाहर हूँ अपने काम को लेके, सो अब घर पहुँचते देखते हैं सबसे मिलके कैसा लगता है। ऑब्वियसली अच्छा लगेगा मुझे पता है, लेकिन मैं अभी ना बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ है, उनसे बहुत दूर रहा, कभी रहा नहीं हूँ मैं इतने टाइम तक, प्लस मेरी बेटी, तो देखते हैं कैसा रहता है। Softly spoken, with no strings tying you to me. Chalo. तो हमको तो ये रिसीव करना ही थी ना हमारी धर्म पत्नी। ये झूठ बोल रही है और कुछ भी नहीं है। अभी मैं चली जाती हूँ। सबसे पहले बड़ी मिलेगा। तुम्हारी बेटी सो रही अंदर। So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna lose my expression. I never wanna lock you down. I know you're not mine. It's just my turn. We can still have fun for now. No one ever wants to play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a passion, and we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Tia Betty. हाँ बेटा, वो बच्चा वो लगा फोटो कोई नहीं एक्सप्रेशन दे रहा। ये मुझे भूल चुकी है 20 दिन में, इसलिए ये रो रही है।
और इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं तेरा दादा हूँ पापा दादा। आपने अभी इससे पहले वाला क्लिप देख ही लिया था कि 20-25 दिन दूर रहने के बाद मेरी बेटी मुझे ही नहीं पहचान रही। वो काफी काफी फनी था, लेकिन अभी देखो काफी फ्रेंडली वापस हो चुकी है मेरे साथ। चियो चियो। और मुझे मारने भी लग गई है, देख रहे हो आप, ये अब ऐसा करती है। तो दोस्तों ये है मेरी बेटी राउडी बेबी। ये मेरी राउडी बेबी की माँ। 25 दिन के बाद मिलाऊ मैं। तो मेरी दोस्ती हो चुकी है मेरी बेटी के साथ फिर से, और हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलने वाले हैं कहीं पहाड़ों में। पहाड़ कौन सा होगा वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा, वो भी हमारे नेक्स्ट वाले में। तो तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ स्टैनली एंड विद माय गर्ल चिया। कम कम करते दीता। आई लव यू बोला चाबाश।